हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिंपनी, आ गई हूँ आज आपके लिए और एक रिव्यू वाला वीडियो लेके। ये जो रिव्यू वीडियो है ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। ये सामान लिए हुए मुझको शायद 10 डेज के करीब हुए हैं एंड 10 डेज मैंने इसको यूज किया, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से ना मैं बहुत सारे एड्स में हो गया, बहुत सारे टीवी वगैरह में हो गया, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में हो गया। जीवा की ज्वेलरीज के बाद बहुत सारे मैं एड्स वगैरह देख रही थी एंड जीवा मेनली सिल्वर ज्वेलरीज, जो अनुष्का शर्मा उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मेनली वो सिल्वर ज्वेलरी का बहुत ही अच्छा कलेक्शन उनके पास रहता है। मैंने कभी भी मेरे पास एक दो सिल्वर ज्वेलरीज हैं, लेकिन मैं मेनली मेरे को रहता है कि भाई मैं गोल्ड ही पहनूंगी, मेरे बॉडी में सिल्वर नहीं जाता, सिल्वर काला पड़ जाता है, तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ सिल्वर के सामान। सिर्फ बोलते हैं ना कि सिर्फ वो जो हमारा जो टॉयरिंग होता है एंड एंकलेट हो गया, ये दो ही मैं यूज करती हूँ, नहीं तो सिल्वर का मैं कुछ भी यूज नहीं करती। मेरे बॉडी में जाता नहीं, वो काला पड़ जाता, पता नहीं क्या है प्रॉब्लम। तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि जीवा से कुछ लूँ, लेकिन क्या लूँ, मैं पहन नहीं पाती, रिंग्स वगैरह आएगा तो वो 2-3 दिन में काला पड़ जाएगा। वो लोग बोलते हैं कि लाइफ टाइम पॉलिश है, कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। तो फिर एक दिन ना, फिर मेरे पास ना एक पेंडेंट है डायमंड का, डायमंड पेंडेंट है, तो उसको मैं मुझे बहुत इच्छा था कि मैं ना उसको मंगलसूत्र का लॉकेट बना के पहनूं, लेकिन ये जो है ये पूरा कनेक्टेड है, इसको आप खोल नहीं पाओगे, ये पूरा कनेक्टेड कर दिया है मैंने, तो ये तो खोल के उसको ऐड करना इम्पॉसिबल है। तो मैंने सोचा कि ऐसा मंगलसूत्र वाला अगर वो जॉइंटेड वाला चेन कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी गोल्ड इतना परचेज करने में चेन अगर मैं दूंगी मंगलसूत्र का, तो आई थिंक मिनिमम मेरे को 30,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी मैं वो मूड में नहीं। एंड मेरे को जीवा का कुछ लेना था, तो जीवा का जो रोज गोल्ड पॉलिश आता है, गोल्ड पॉलिश आता है, उसमें मैंने एक दिन सर्च करते करते मेरे को ना मंगलसूत्र का चेन दिखा, यानी उसमें ना हुक्स था जिसमें कि आप कोई भी पेंडेंट को ना उसमें पैरअप कर सकते हो, कोई भी पेंडेंट आप यूज कर सकते हो। एंड मैंने सोचा कि अगर मुझे लेना ही है तो मैं ये लेके रख सकती हूँ। एंड वो लोग बोलते हैं कि लाइफ टाइम इसका एंटी टैनिस पॉलिश जो है वो लाइफ टाइम रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ले लेती हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था, वो शायद 1500 के अराउंड था मंगलसूत्र का चेन, तो मैंने सोचा कि मैं परचेज करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ दिन मैं रेगुलर यूज करूंगी, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कंटिन्यूअसली 10 डेज यूज करने के बाद आज ये 10th डे में मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मैं पहले दिखा देती हूँ जीवा का जो ज्वेलरी आया था वो कैसे आया था। तो ये है जीवा का जो पैकेट है, जो पार्सल आया था वो ऐसे आया था, पूरा उनका लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो जीवा। तो यहाँ पर मैंने ये कैश ऑन डिलीवरी में मंगाया था, मैंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है ये एक बबल रैप बैग में आता है एंड इसके अंदर बहुत कुछ है, क्या क्या है मैं देखती हूँ। तो इसके अंदर हमको ये सारे मिले हैं, तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ क्या क्या मेरे को रिसीव हुआ है। मेन ज्वेलरी है इसमें, ये जो डब्बा है इसमें मेन ज्वेलरी। नेक्स्ट जो मुझे रिसीव हुआ है वो है ये एक गिफ्ट कार्ड आप बोल सकते हो, जिसमें कि मामा अर्थ में 400 रुपीज का ऑफ का मुझे एक कार्ड रिसीव हुआ है, एक और मैं यूज कर सकती हूँ एंड ये शायद April 30 तक वैलिड है, देखती हूँ कुछ ऑर्डर करना होगा तो मैं कर दूंगी। तो ये मेरे को मिला है गिफ्ट कार्ड, और ये कुछ मिला ये एक गिफ्ट कार्ड मिला है एंड ये है जीवा का
इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो प्लेटिंग ये लोग करते हैं वो रोज गोल्ड हो गया, गोल्ड पॉलिश हो गया, ये लाइफ टाइम प्लेटिंग है। 6 मंथ का वारंटी है। अगर आपका कुछ भी टूट जाता है 6 मंथ के अंदर, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है उनकी तरफ से तभी आपका वारंटी में वो कवर किया जाएगा। आप 30 डेज के अंदर इसको रिटर्न भी कर सकते हो एंड इस पर फ्री डिलीवरी रहता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर है ये ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए एक कपड़ा है इसके अंदर। नेक्स्ट है एक थैंक यू का। नेक्स्ट इसके अंदर एक थैंक यू कार्ड है जिसमें कि हमको स्टेटमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी कार्ड इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी इज क्राफ्टेड इन 925 सिल्वर एंड कंटेन्स द हाईएस्ट क्वालिटी जिक्रॉन स्टोन्स, जैसे कि मेरे में स्टोन्स नहीं है, AAA+ ग्रेडेड फ्रेश वाटर पॉल्स। अगर जो पॉल्स होता है एंड जो जिक्रॉन के स्टोन्स होते हैं वो हाई क्वालिटी होते हैं एंड AAA+ ग्रेड के होते हैं। तो ये जो मेरा था ये 92.5% सिल्वर है एंड इसका आप सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी देख सकते हो। इसपे मुझे 15%, अगर मैं नेक्स्ट परचेज करती हूँ उस पर मुझे 15% का ऑफ भी मिलेगा। तो ये एक आया हुआ है एंड इसपे ज्वेलरी केयर का कार्ड भी आया हुआ है। मैं पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू में ये आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को इन्होंने प्रोवाइड किया है ऐसे एक जिपलॉक पाउच। इसमें वो बोलते हैं स्टोर योर ज्वेलरी पीसेस इन एयरटाइट पैकेजिंग एंड लेट द चेन डैंगल थ्रू टू अवॉइड नॉट्स एंड टैंगल्स। टू क्लीन योर ज्वेलरी यूज ओनली जीवा क्लीनिंग क्लॉथ, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, आप इसमें उसको क्लीन कर सकते हो। ये 100% कॉटन क्लॉथ है। एंड व्हाट नॉट टू डू में उन लोगों ने लिखा हुआ है कि यूज अ पॉलिशिंग क्लॉथ दिस विल स्ट्रिप अवे द प्लेटिंग। अगर आप कोई पॉलिशिंग क्लॉथ जो आजकल आता है ना विद केमिकल, वो अगर आप उसको इसमें यूज करते हो तो वो प्लेटिंग को उड़ा देगा, प्लेटिंग चला जाएगा। एक्सपोज ज्वेलरी टू एक्सट्रीम सनलाइट और हीट। एक्सट्रीम सनलाइट में अगर आप जा रहे हो ज्वेलरी वगैरह पहन के तो प्लेटिंग के ऊपर असर आ सकता है। एंड अनदर थिंग ये लोग बोलते हैं कि हैवी स्किन केयर, केमिकल स्किन केयर, मेकअप और फ्रेग्रेंसेस अगर आप यूज करते हो तो भी ये आपका ज्वेलरी प्लेटिंग में प्रॉब्लम दिखाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है लाइफ टाइम प्लेटिंग। लाइफ टाइम प्लेटिंग क्या है? वेकिंग अप ईयरली एवरी डे माइट बी डिफिकल्ट बट गेटिंग, या उनका नॉर्मल लिखा हुआ है। तो ये लोग लिखते हैं कि लाइफ टाइम प्लेटिंग सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्री। ऑल यू नीड टू डू ड्रॉप योर जीवा ज्वेलरी एट योर नियरेस्ट जीवा स्टोर। अगर आपका प्लेटिंग चला जाता है तो जीवा स्टोर जो आपके नियरेस्ट में है वहां पर जाके आप इसका प्लेटिंग करवा सकते हो। यू कैन ऑल्सो प्लेस अ रिक्वेस्ट थ्रू ऐप। ऐप में भी आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो भी आपका प्लेटिंग हो जाएगा। योर प्रीसियस जीवा ज्वेलरी विल कम बैक टू यू विद इन 3 weeks इफ द रिक्वेस्ट इज ड्रॉन थ्रू ऐप। ₹200 ट्रांसपोर्टेशन फी एप्लीकेबल। अगर आप जाके करवाते हो तो वो आपको 3 weeks के अंदर दे देंगे वो सारे। एंड अगर आप ऐप के थ्रू बुकिंग करके वो लोग आके आपको आपका ज्वेलरी लेके फिर 3 weeks के बाद आपको वापस देते हैं तो उसमें आपको ₹200 का ट्रांसपोर्टेशन फी लगेगा। एंड आपको यहाँ पर एक सीक्रेट टिप उन्होंने दिया हुआ है, विल रिसीव योर ज्वेलरी फास्टर इन 2 weeks एंड फ्री इफ यू विजिट द स्टोर। अगर आप स्टोर में विजिट करके उसको पॉलिश करवाते हो, प्लेटिंग करवाते हो तो आपको ये जो ज्वेलरी आपको फास्टर मिलेगा, यानी 2 weeks में रिसीव हो जाएगा एंड आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों इसमें आए हुए हैं। नेक्स्ट मुझे दो कार्ड्स रिसीव हुए हैं, ये भी देख लेते हैं क्या है। ये सर्टिफिकेट ऑफ वारंटी है जीवा की तरफ से, आप देख सकते हो। आप अपने वारंटी कवर करना चाहते हो तो ये कार्ड आपको दिखाना जरूरी रहता है। तो ये है वारंटी का। तो ये सारे सामान आ गए हमारे ज्वेलरी जो पैकेट है उसके अंदर। अभी चलते हैं मेन ज्वेलरी को देखने।
तो ज्वेलरी का बॉक्स कुछ इस तरह से, बहुत ही प्रिटी है ये। एंड यहाँ पर आपको अनुष्का शर्मा का एक ये लिखा हुआ मिलेगा, होप यू लव दिस एज मच आई डू। ये अनुष्का शर्मा का साइन किया हुआ आपको एक लिफलेट यहाँ पर मिलेगा, एंड ज्वेलरी आपको इसमें रिसीव होगा। तो मैं दिखा देती हूँ ये क्या है एक्चुअली। हाँ, मैंने इसमें अभी ना अपना जो डायमंड का मेरा पेंडेंट था उसको इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये चेन मैंने ऑर्डर किया था, ये चेन मैंने ऑर्डर किया था जिसमें कि मैंने अभी ये अपना पेंडेंट, डायमंड का जो पेंडेंट है ये ऐड किया हुआ है इसमें। ये है ये चेन, आप देख सकते हो। इसमें आपको ऐसे एडजस्टिंग, पीछे में एक एडजस्टिंग हुक टाइप का आपको मिलेगा, एंड यहाँ पर भी आपको हुक्स मिलेंगे, ऐसे हुक्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आप कोई भी पेंडेंट इसमें अटैच करके पहन सकते हो। बहुत ही मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी है, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। इसका फोटो भी मैं यहाँ पर साइड में मेंशन कर दूंगी। अभी मैं घूमने गई थी तो यही पहन के गई थी, किसी को भी पता नहीं लगा कि ये गोल्ड नहीं है, ये सिल्वर का है। तो मेरे फ्रेंड्स लोग भी जो भी देखेंगे वो सोचेंगे, अरे ये सिल्वर का था, इसने तो हमें गोल्ड बताया था। मैंने किसी कुछ नहीं बताया था कि ये, क्योंकि मुझे ये वीडियो करना था और मुझे पता लगाना था कि उन लोगों को पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, पता नहीं, मैं तो इसको रेगुलर यूज नहीं करूंगी, कभी कभार यूज करूंगी। ये पेंडेंट के साथ मुझे ये एक चेन चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको लिया हुआ है। मैं बैक कैमरे में आपको दिखा दूंगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पेंडेंट इसमें इंक्लूड नहीं था, मैंने लगाया हुआ है ये पेंडेंट मेरा है, डायमंड का पेंडेंट है ये इसमें इंक्लूड नहीं था। मैंने बस ये चेन ऑर्डर किया था, तो मैं बैक कैमरा में भी आपको दिखा दूंगी ये चेन कैसा है क्या नहीं है। आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। एंड अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो मैं, अगर लिंक अवेलेबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके भी इसको परचेज कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।